मला स्वतःला आवडलेला आहे. अतिशय नवीन ज्याचा पहिलाच म्युझिक डायरेक्टरचाही जसं आमचं पहिलं व्हेंचर तसं आमचं म्युझिक डायरेक्टर निरंजन पेडगावकर ह्यांचाही पहिलाच चित्रपट आहे. पण एक म्युझिकबद्दल माझी एक धारणा की ते आवडलं पाहिजे, म्हणजे प्रत्येकाला असं वाटत असतं आवडलं पाहिजे, लोकांनी ऐकलं पाहिजे किंवा त्याच्याशी आपल्याला रिलेट कुणीतरी करता आलं पाहिजे. आणि कदाचित त्याचं आणि आमचं ट्युनिंग खूप जास्त जमलं, म्हणजे आम्ही जे एक्सपेक्ट करत होतो की मी आणि प्रमोद दोघंही त्याला आम्ही आदल्या दिवशी ब्रीफ करत होतो की आम्हाला अरे असं आपल्याला गाणं हवं आहे, असं तू काहीतरी हे घेऊन ये, आणि तो दुसऱ्या दिवशी साधारणतः त्याच स्वरूपातलं ट्यून घेऊन यायचा. हमारी फिल्म में जो भी गाने हैं, दो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, एक सैड सॉन्ग है, प्लस एक गाना है विच इज आली लहर कहला कहर. वो एक सब्जेक्टिव गाना है. हम लोग रेकी कर रहे थे जब फिल्म की शूटिंग के लिए, तो हम लोगों ने पहले एक्चुअली वेट किया कि ये गाना हमको पावसात गाना है जो श्रेया घोषाल ने गाया है. पावसात वेड़े मन मोर नाचले, श्रावणात भिजले घन घोर नाचले, आई मी ती बांची चाल बांधले, झाडां पर वाऱ्याची थाप. इट नीड्स रेन, तो हम लोगों ने बारिश की वेट की, रेकी की. हम लोग ने वालशेज एक लोकेशन में शूट किया गाना. फिर हम लोग वासिंद करके एक जगह है, वहाँ गए. तो जब हम रेकी के लिए गए थे तो हम लोगों ने कुछ ब्लॉक किए थे लोकेशंस, कि ये लोकेशन पे हमारा ये सीक्वेंस होगा, ये होगा, ये होगा, एंड वी वर सपोज टू शूट दैट थिंग इन द सेम डे. रेकी हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोग वापस आ गए. बहुत एंथू थे, बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि उस जगह पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने पहला फिल्म है हमारा प्राइम टाइम जिधर पे हमको परमिशन दी ऑफिशियली, उससे पहले आज तक वहाँ पे कोई शूट नहीं हुआ था. जब एक्चुअली शूटिंग करने के लिए गए तो जब हम उन लोकेशंस पे पहुँचे जो जो हम लोगों ने अपने पास ब्लॉक की थी, उनमें से एक भी लोकेशन वहाँ पे नहीं थी. क्योंकि वहाँ पे इतना पानी आ चुका था, ऊपर से जितने भी झरने थे, जितने भी वाटरफॉल्स थे, वो बहुत ज़्यादा फ्लो में थे. त्या लोकेशनला आधी आम्ही साधारण एक दीड तास वगैरे काही काळ ट्रेक करून गेलो. तो वॉटरफॉल जो होता त्या ठिकाणी जाताना, आणि ते खूप रिस्की पण होतं. कृतिका जो हमारा रोल कर रही है काव्या का, उन्होंने कहा सर यहाँ तक आए हैं एक बार देख लेते ना क्या हो गया. फिर एक शुरू हुआ तो दो तीन करके ऐसे कर करके एक यूनिट बन गई कि जिन्होंने कहा कि चलो चलते हैं.